नमस्कार, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं सिफिलिस की। पिछले कुछ समय से काफ़ी सारे केसेस सिफिलिस के मेरे क्लिनिक पर आए हैं, प्राइमरी सिफिलिस के भी और सेकेंडरी सिफिलिस के भी। तो क्या होता है? तो सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा ही फैलता है और बहुत कॉमन है HIV पेशेंट्स में सिफिलिस का पाया जाना। पिछले कुछ समय में मेरे 8-9 केसेस सिफिलिस HIV टुगेदर पाए गए हैं। और सिफिलिस खुद से पहले सिफिलिस होता है जिसको कि जो इग्नोर करते हैं, फिर कंटिन्यूस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से लोग HIV से भी ग्रसित हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को STI जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उनको समय से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। सो, जैसे कि मैंने बताया, सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड करता है और ये एक स्टार्ट होता है एक पेनलेस सोर की तरह से, एक घाव छोटा सा हो जाता है जनरली पेनिस पर, रेक्टम पर, वेजाइनल एरिया में या माउथ में होता है और पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड करता है, चाहे वो स्किन के कॉन्टैक्ट में आए, म्यूकस मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में अगर ये सोर आते हैं या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। इनिशियल इन्फेक्शन जब होता है तो फिर कई बार ये सोर ठीक हो जाता है पर बैक्टीरिया जो सिफिलिस का है वो बॉडी में काफ़ी समय तक जिंदा रह सकता है। तो इस सोर को पहली चीज़ तो इस सोर को ठीक करना बहुत ज़रूरी है फर्दर स्प्रेड करने के लिए और खुद की भी सेफ्टी के लिए। कई स्टेजेस में सिफिलिस हो सकता है, प्राइमरी सिफिलिस होता है। प्राइमरी सिफिलिस जो मैंने बताया सोर से स्टार्ट होता है और जिसको हम शैंकर बोलते हैं, तो छोटा सा सोर होता है, पेनलेस होता है, बस आपके पेनाइल और जेनिटल एरिया पर घाव होगा। और अगर हम जो है इसी को समय पर ट्रीट कर दें तो ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है और फिर स्प्रेड करने के चांसेस कम हो जाते हैं। परंतु ये जैसे मैंने बताया कि वो उस बॉडी में ये जो इसका बैक्टीरिया है वो रह जाता है और कई बार जो है वो सेकेंडरी सिफिलिस के तरह से काफ़ी समय के बाद फिर से दिख सकता है। सेकेंडरी सिफिलिस में किसी भी तरह के जो हैं स्पॉट्स हो सकते हैं पूरी बॉडी पर। मैंने जितने भी पेशेंट्स अभी मेरे लेटली आए हैं वो सेकेंडरी सिफिलिस के कई सारे पेशेंट्स आए हैं जो कि पूरे पाम पर, सोल पर, बॉडी में बहुत सारे रैशेज़ के साथ आए हैं, जो जिनमें कोई इचिंग नहीं होती, पेन नहीं होता, परंतु रैशेज़ पूरी बॉडी पर होते हैं। ट्रंक से माउथ के अंदर हो सकते हैं, चेस्ट पर कोई घाव भी हो सकता है और इनमें कोई खुजली, कोई सोर, कोई डिस्चार्ज कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक तरह के जो हैं सिर्फ जिसको कहते हैं धब्बे धब्बे के मार्क्स होते हैं। बहुत ईजी है इसको पहचानना। कई बार साथ में लिम्फ नोड भी हो सकती हैं, तो पूरी तरह से एग्जामिन करना। पर आपको अगर किसी भी तरह के इस तरह के अपनी बॉडी पर जो इस तरह की चीज़ें दिखती हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें। उसके बाद जो है कुछ समय बाद एक लेटेंट सिफिलिस भी होता है, जब ये वाले सिफिलिस ट्रीट होने के बाद तो ये बैक्टीरिया जो है बॉडी के अंदर रह जाता है। लेटेंट स्टेज में ईयर्स टुगेदर ये रह सकता है और कभी दोबारा से कोई ट्रिगर होता है तो उसके बाद ये टर्शियरी सिफिलिस की तरह से फिर से निकल के आ सकता है। 15-30% लोगों में जो हैं इवन जो जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता या समय से ट्रीटमेंट नहीं होता तो कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में ब्रेन की, नर्व की, आइज की, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किसी भी पार्ट को ट्रीट करता है। सबसे खतरनाक न्यूरोसिफिलिस होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों को बचाना न्यूरोसिफिलिस में। परंतु टाइम से डॉक्टर की सलाह लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी तरह का जेनिटल पर आपके कोई भी घाव दिखे, कुछ भी दिखे, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और इसको टाइम से ट्रीट कराएं। और जितने भी सिफिलिस के, जिनको भी सिफिलिस है, उन लोगों को अपना HIV ज़रूर टेस्ट करना चाहिए और जितने भी HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनमें भी हम ये सिफिलिस की जांच करते हैं, VDRL टेस्ट करते हैं या और भी टेस्ट, जिससे कि क्योंकि काफ़ी कॉमन होता है को इन्फेक्शन HIV एंड सिफिलिस और सिफिलिस एंड HIV। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पर जितना भी जो केसेस हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है वो पहले आते हैं, HIV हो सकता है उसके बाद आए या HIV पहले आ सकता है और उसके बाद जो है ये इन्फेक्शन आ सकते हैं। तो समय से इसको जांच कराएं और समय से इसका ट्रीटमेंट कराएं। मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने सुझाव भेजते रहिए। आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर आप अगर चर्चा चाहते हैं तो उसके लिए मुझे लिखिए। धन्यवाद।